अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी होममेड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मा गर्म पकौड़ों की रेसिपी, क्योंकि आजकल चल रहा है बारिशों का मौसम और बारिशों का मजा डबल कर देता है पकौड़े। तो चलाएं देखते हैं उसको बनाने का तरीका। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1/2 कप बेसन, एक छोटे साइज का आलू जो हम छोटे छोटे काट लेंगे, एक प्याज उसको भी हम कट कर लेंगे, एक हरी मिर्चे उसको भी हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, थोड़ी सी हरा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा चुटकी भर सोडा, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून धनिया। सबसे पहले पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए हम डालेंगे बेसन के अंदर प्याज, आलू, धनिया पत्ता, हरी मिर्चें, धनिया और जीरा। अब हम अपने सारे मसाले शामिल कर देंगे, यानी नमक, मिर्चें और सोडा। अब हम पानी की मदद से इसका अच्छी तरीके से एक बैटर बना लेंगे। अब देख सकते हैं आप, हमारा बैटर ऐसा दिख रहा है और ये बिल्कुल रेडी है कढ़ाई में डालने के लिए। पहले हम पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे। अब उसके अंदर अपने पकौड़ों के बैटर को डालेंगे। अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए हम इसे फ्राई करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे गोल्डन ब्राउन से हो गया, ये बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। तो हम इसे अपनी कढ़ाई से निकाल देंगे। आपने देखा हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे और मजेदार ये लग रहे हैं। तो देखा आपने, हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं और कितने मजेदार ये लग रहे हैं। आप भी बनाएं और अपने बारिश का मजा डबल करें। आप अपने रिव्यूज हमारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।